क्या अभी भी आपको 4G की जगह 2G की स्पीड मिल रही है और आप परेशान हैं कि भैया यार प्लीज़ 5G बाद में लॉन्च करो, पहले यार 4G ही बेहतर कर लो। तो आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको आइडिया ये हो जाए कि भाई हमारे इंडिया में 4G क्यों स्लो। थोड़ा मिस्ट्री पर चलते हैं और ये जानते हैं कि भारत में इंटरनेट कब आया। भारत में इंटरनेट 1986 में आ गया था और ये सरकारी काम के लिए यूज में हो रहा था। बट होता क्या है, 9 साल बाद में 1995 में 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोगों को आज़ादी मिल जाती है नेट यूज करने की। बट उस टाइम पर स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो बीच की बात पर चर्चा किए कोई फ़ायदा नहीं कब 3G आया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 4G के ऊपर। उसको हम 3 पॉइंट में डिफाइन करने वाले हैं। पहला पॉइंट है यूजर्स की बढ़ती जनसंख्या। हुआ क्या, हमारे यहाँ पर जो 4G मोबाइल थे वो सस्ते हो गए, उसके बाद में जियो का 4G फ़ोन आ गया, उसके बाद में जियो ने 4G फ्री कर दिया और इसके बाद में बवाल हो गया। कम पैसे में लोगों को नेट मिला और उपभोक्ताओं की जो डेली डाटा खर्च करने की लिमिट थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कंपनियाँ डाटा अच्छा नेटवर्क क्वालिटी प्रोवाइड करने में असमर्थ हो गई। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। 4G की स्लो स्पीड का मेन कारण माना जाता है स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो टावर लगा है उसको, तो होता क्या है, एक टावर पर एक स्पेक्ट्रम पर कुछ ही लोग होते हैं, जैसे कि 10 लोग हैं और कंपनियों के पास में बहुत ही कम पैसे पे लोगों को डाटा देना था। तो उससे क्या हुआ कि जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा यूजर्स आए तो वही जो एक स्पेक्ट्रम पे 10 लोग होना चाहिए था उसकी जगह हो गए 100 लोग, जिससे क्या हुआ नेटवर्क की क्वालिटी खराब हुई। चीपर प्लान, अन्य देशों की तुलना में अगर आप देखो तो इंडिया में जो इंटरनेट है वो सबसे ज़्यादा सस्ता है। इससे होता क्या है, कंपनियों का रिवेन्यू कम होता है और जिससे कि कंपनियां जो उसको चाहिए स्पेक्ट्रम चाहिए और अन्य सामान जो भी उसको खरीदने हैं नेसेसरी प्रोडक्ट हैं उन पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है कि जो 4G मॉडेम लगे हैं वो ख़राब हो गए, कई तो रिपेयर ही नहीं हो पाते। आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो वो बोलता है भाई आपके एरिया में काम चल रहा है और अभी कुछ दिन में रिपेयर हो जाएगा। जैसे अभी हाल ही में इंडिया में जियो VI ने एयरटेल ने थोड़े पैसे इंक्रीज कर दिए थे तो मार्केट में एकदम सा बवाल सा मच गया था और लोगों को काफ़ी खरी खोटी सुनने को मिली थी। और चीप डाटा से एक फ़ायदा भी है कि जो नेट है वो ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचता है, जो लोग बहुत गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। बट इसका नुकसान ये है कि उन्हें लो क्वालिटी स्पीड डाटा देखने को मिलता। लो रेवेन्यू की वजह से जो टेलीकॉम सेक्टर है वो वित्तीय अर्थव्यवस्था में इस समय उलझा पड़ा। सस्ती सेवाएं अधिक लोड के चलते कंपनियां निवेश के लिए आवश्यक फंड नहीं जुटा पा रही हैं और जब जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो कंपनी अपना ARPU बढ़ा देती हैं। ये होता क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जैसा कि अभी हाल ही में प्राइस बढ़े थे, इसके पीछे का रीज़न यही था। मतलब आप एक तरीके से ऐसे समझिए कंपनियों के पास में पैसा नहीं है 4G स्पेक्ट्रम पर काम करने के लिए। यही एक बड़ा रीज़न है कि आपको 4G का अच्छा डाटा नहीं मिल रहा। और सेकंड एक बड़ा रीज़न है कम स्पेक्ट्रम ज़्यादा लोग। तो अब 4G की जो डाटा स्पीड है वो भी आपको हम बता देते हैं। जो 4G की LTE की डाउनलोड स्पीड है वो है 150 MB और जो अपलोड स्पीड है वो है 50 MB/s। और वहीं एक है 4G LTE एडवांस, इसकी डाउनलोड स्पीड है 300 MB/s और अपलोड स्पीड है 150 MB/s। अगर इस स्पीड का हमारे इंडिया में 10% ही मिले तो भाई मज़ा आ जाए। समस्या तो ये है कि इस जो रियल स्पीड है इसका हमको 1% भी रिजल्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। हाल ही में TRAI की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार उन्होंने टॉप पे रखा है जियो को, स्पीड है 23 MB/s, उसके बाद में रखा है BI को 17 MB/s, उसके बाद में रखा है एयरटेल को 14 MB/s, लास्ट में रखा है BSNL को 5.9 MB/s। भाई अगर BSNL में इतनी स्पीड आती ना तो मैं BSNL पक्का शिफ्ट हो जाता। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका 10%
रिजल्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मैंने आज तक भाई इतनी स्पीड एंजॉय नहीं की, अगर आपने की हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया की इंटरनेट रैंकिंग की अगर बात की जाए तो वो है 118, मतलब हमारा भारत इंटरनेट के मामले में 118 नंबर पर आता है। भाई लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और जो भी वीडियो में बोला है वो सारा का सारा गूगल पर रिसर्च करके बोला है, और उसमें काफ़ी सारी कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, तो उसके लिए भाई पहले से एडवांस में सॉरी, क्योंकि जब भी चीज़ें रिसर्च करके बनाई जाती हैं जो भी वीडियो के टॉपिक होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत डाटा या फिर चीज़ें हो जाती हैं और एक आध चीज़ें लिखने में भी हो जाती हैं। वैसे अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझाऊँ कि क्या कैसे चल रहा है, स्पीड क्यों सिलेक्ट है, और रही बात स्पेक्ट्रम की तो उसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम के बारे में बताता तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता। स्पेक्ट्रम को आप इतना समझिए कि आपके गांव का टावर है। बाय बाय टाटा, मिलेंगे अगले वीडियो में। मन हो तो सब्सक्राइब लाइक से जरूर कर देना।